अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने छोटे से होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का टूर दूंगा और बताऊंगा कि मैं कौन कौन से हार्डवेयर गियर और सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूं। तो चलें एचएस स्टूडियो का टूर स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा रूम जहाँ पर मैंने अपना होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप किया हुआ है। ये है मेरी मेन डेस्क और ये है मेरी सेकंड डेस्क जहाँ पर मैं मोस्टली यूट्यूब वीडियोस एडिट करता हूँ और गेमिंग वगैरह करता हूँ। तो पहले मैं आपको अपना सेकेंडरी सेटअप दिखाता हूँ और उसके बाद हम मेन सेटअप पे चलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सेटअप है। यहाँ पर स्पीकर है और एक कंडेंसर माइक्रोफोन रखा हुआ है और कीबोर्ड माउस है और ये मेरा लैपटॉप है। इस लैपटॉप का नाम रेजर ब्लेड 14 2017 एडिशन है और इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। बेसिकली इस लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है कोर i7 7th जनरेशन KB-like प्रोसेसर, 16GB DDR4 रैम और 512GB SSD और इसके अंदर जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है वो है GTX 1060। तो यहाँ पर मैं मोस्टली अपनी YouTube वीडियोस एडिट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक माइक्रोफोन है जो कि USB कंडेंसर है, इसका नाम है Behringer C1 USB। एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन है और इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर और कभी कभार जैमिंग करने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये मेरा सिंपल सा एक सेटअप है और इस टेबल के बिल्कुल पीछे मेरा एक बैकड्रॉप है ब्लैक कलर का जिसके ऊपर मैं मोस्टली वीडियो शूट वगैरह करता हूँ और ये मैंने अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर लगाया है। उसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर कुछ सॉफ्ट बॉक्सेस हैं जिनके थ्रू मैं अपनी YouTube वीडियोस के अंदर लाइटिंग बेहतर करता हूँ और इन लाइट्स के साथ ही एक डिस्पेंसर रखा हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना मेन सेटअप जहाँ पर मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इक्विपमेंट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने हेडफोन्स से। यहाँ पर मेरे हेडफोन हैं जिनका नाम Focusrite Scarlett HP60 है। ये बहुत अच्छे हेडफोन हैं और इन्हें मैं मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करता हूँ जब किसी के वोकल्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ और ये काफ़ी टाइम पहले बाय किए थे मैंने। किट बाय की थी एक्चुअली और किट के जो बाकी सामान था वो सेल आउट कर दिया था। और इस हेडफोन के बराबर में मेरा मिडी कीबोर्ड है जिसका नाम है नोवेशन लॉन्च कीट 61 कीज़। ये बहुत अच्छा मिडी कीबोर्ड है और इसके अंदर 61 कीज़ हैं और 16 पैड्स हैं जिनके थ्रू मैं बीट्स वगैरह मोस्टली बनाता हूँ और उसी के साथ साथ यहाँ पर इसके 9 फेडर्स दिए हैं जो 8 हैं वो मिक्सिंग के लिए हैं और जो आखिरी चैनल है वो मास्टर चैनल है। तो ये मेरा मिडी कीबोर्ड है जिसका नाम नोवेशन लॉन्च की है। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल मेरे माउस और कीबोर्ड्स हैं और यहाँ पर मेरे पास एक माइक्रोफोन है जिसका नाम है BM800। उसी के साथ यहाँ पर मेरा वाईफाई राउटर है और उसके बराबर में मेरा स्टेबलाइज़र लगा हुआ है और यहाँ पर मेरे स्टूडियो मॉनिटर्स हैं। स्टूडियो मॉनिटर जो मेरे पास हैं वो हैं JBL LSR 308। उसी के बराबर में मेरी दो LCDs लगी हुई हैं। इन दोनों LCDs को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है और इनके थ्रू मैं मिक्सिंग वगैरह करता हूँ। इस वाली LCD पे मेरी टाइमलाइन खुली हुई होती है क्यूबिस प्रो की और इस वाली LCD पे मेरा मिक्सर खुला होता है जिसके थ्रू मैं मिक्सिंग करता हूँ। और जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है वो है क्यूबिस प्रो 9.5 और VSTs वगैरह मेरे पास ओमनिस्फेयर है, कॉन्टैक्ट है और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास एक हेडफोन एम्पलीफायर है जिसका नाम Behringer HA400 है। इसके अंदर 4 हेडफोन हम एक साथ लगा सकते हैं और इसका जो आउटपुट है वो हमारे साउंड कार्ड के इनपुट में जाता है। उसके बाद मेरे पास जो साउंड कार्ड है वो है Steinberg UR22। ये 2 चैनल्स साउंड कार्ड है, इसके अंदर हम एक वक्त में 2 कंडेंसर या 2 गिटार्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा साउंड कार्ड है और मेरे सॉन्ग्स के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होती है मैं इसी साउंड कार्ड से करता हूँ। उसके बराबर में मेरी एक गिटार केबल है जिसके थ्रू मैं अपना गिटार प्लग इन करता हूँ अपने साउंड कार्ड में और यहाँ पर मेरा एक डायनेमिक माइक है जो समटाइम्स मैं जैमिंग वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ, इसका नाम है Behringer XM1800S। और एक मेरे पास ये छोटा सा मोनोपॉड है मोबाइल वगैरह के लिए और उसके साथ मेरे पास यहाँ पर एक माइक्रोफोन है बोया BY-M1, ये लेवेलियर माइक्रोफोन है। उसके साथ मेरे पास यहाँ पर एक शाओमी की सेल्फी स्टिक है जिसके थ्रू मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करके व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ और यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह और पावर बैंक वगैरह रखा हुआ है और कुछ खास है नहीं यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं वोकल बूथ के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वोकल बूथ के अंदर कौन से इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। तो ये मेरा छोटा सा वोकल बूथ है जहाँ पर एक वक्त में 3 से 4 लोग वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये डिज़ाइन भी मैंने खुद किया था। इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं। सिंपल मैंने
एक कारपेट यूज़ किया है और कारपेट से पहले मैंने इस तरह की एक शीट यूज़ की हुई है। ये सिंपल एक फॉर्म की शीट है और यहाँ पर भी कुछ फॉर्म्स लगाए हुए हैं और उनके ऊपर ये विंटेज डिस्क्स लगाई हुई हैं जिससे थोड़ा सा लुक आ जाता है। और उसी के साथ साथ वोकल बूथ के अंदर मेरा एक इलेक्ट्रिक गिटार रखा हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गिटार है, ये है सैमिक स्ट्रैटोकास्टर और ये काफ़ी पुराना गिटार है और इसका जो टोन है, इसका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और मोस्टली मैं अपने गानों के अंदर इसको यूज़ करता हूँ। और मेरा जो मेन गिटार है वो अभी मेरे पास स्टूडियो में है नहीं, मेरा जो मेन गिटार है वो है ब्लैक एडिशन लेस पॉल, तो वो जब आएगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरा एक यूकेलेली रखा हुआ है और उसी के साथ मेरे यहाँ पर वोकल के लिए क्लोज बैक हेडफोन्स हैं जिनका नाम है सेनाइजर ST280 Pro। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा क्लास हेडफोन्स हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ किए हैं अपनी लाइफ में लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेवरेट हेडफोन्स हैं मेरे। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मेरा मेन वोकल माइक्रोफोन है जो है रॉड NT1 ब्लैक एडिशन। इससे पहले भी मेरे पास एक माइक्रोफोन था रॉड का, उसका नाम था NT2A। वो बहुत ज़्यादा अच्छा माइक्रोफोन था, इवन इससे ज़्यादा कॉस्टली था। और इसके साथ जो स्टैंड लगा हुआ है ये है सैमसंग BT4। उसके साथ मेरे पास यहाँ पर मेरे लेस पॉल गिटार का केस रखा हुआ है लेकिन मेरा जो लेस पॉल गिटार है वो अभी स्टूडियो में नहीं है, तो वो जब होता है तो वो मोस्टली इसमें रहता है। तो ये है मेरा छोटा सा वोकल बूथ और इसके बिल्कुल सामने एक बेड डला हुआ है और इस बेड को डालने की सबसे अहम वजह ये है अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आउट ऑफ सिटी से आता है तो वो यहाँ पर स्टे कर सकता है, क्योंकि समटाइम्स जो सीन होता है वो 1 से 2 दिन का होता है। वोकल रिकॉर्डिंग, मास्टरिंग, डमी रिकॉर्डिंग और कंपोजिंग वगैरह के अंदर 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो यहाँ पर मैं उसे स्टे प्रोवाइड करता हूँ। और इसकी दूसरी वजह ये है कि मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी वगैरह भी करता हूँ, तो समटाइम्स रात को देर हो जाती है तो आपका भाई यहीं सो जाता है। और इसके बिल्कुल इस साइड AC लगा हुआ है, यहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई हैं। ये मेरा ट्रैवलिंग बैग है और उसके बराबर में मेरी यूनिवर्सिटी का बैग है। ट्रैवलिंग बैग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मेरा वीडियो इक्विपमेंट है, ड्रोन वगैरह है, और उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा एक होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का टूर। अगर आपको कोई भी बात होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अबाउट पूछनी हो तो आप सिंपली कमेंट में बता सकते हैं और ये भी बताइएगा कि आपको मेरा होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैसा लगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, हसन शेख, SS Studio साइनिंग ऑफ, पीस।